नमस्कार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं कई बड़ी खबरों के साथ। जिला चंपावत में आपको लेकर चलते हैं मां पूर्णागिरी अंतर्गत जो कि ककराली गेट जो कि ग्राम सभा मोहनपुर आमबाग में है, जो कि यहां देख सकते हैं कल रात्रि एक जंगली हाथी ने काफी तांडव कर काफी जो कि घर के हो या जो कि गौशाला जो कि गाय बच्चों को काफी क्षति पहुंचाई है। आप देख सकते हैं मेरे साथ सीधे लाइव तस्वीरें जो कि देख सकते हैं कितना जो कि नुकसान पहुंचा हुआ, जो कि जो गेट एंट्री है घर का जो कि तोड़ चुका है जो हाथी। आप देख सकते हैं सीधे लाइव तस्वीरें, कैमरा सेफ्टी से थोड़ा आगे आके दिखाएं जो जो नुकसान हुआ है, जो जो क्षति हुई है, जिस घर में हम उस घर में पहुंच चुके हैं, जो कि आपको लाइव तस्वीरें सीधे लेके चलेंगे। और जो कि समस्याएं जो हुई हैं लोगों के बीच, जो आसपास में जो लोगों के बीच अफरा तफरी मच चुकी है, जो चिंता का विषय बन चुका है काफी बड़ा, जो कि एक जंगली हाथी लगातार ककराली गेट से होकर लगातार ग्राम सभा आमबाग होते हुए छीनीगोट भी पहुंच रहा है, लगातार फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यहां देखा जा रहा है जो कि धान की फसलें भी नष्ट होते हुए जा रही हैं, जो कि लोगों का खाद्य सामग्री भी यहां पे कुछ नहीं बच रहा है। यहां पे जो यहां पे घर के सदस्य हैं इनका नाम जानेंगे और किस तरीके से जो हाथी आया उस समय क्या स्थिति बनी है। यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं जो सीनियर सिटीजन है यहाँ के घर के सदस्य, यहाँ इनका नाम जानेंगे। पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। जैसा कि जो हाथी आया किस तरीके से आया और किस समय आया है वो आप बताइए पूरी जानकारी। सुबह 4 बजे करीब आया है वो, उनने पहले गेट तोड़ा है, गेट तोड़ने के बाद फिर वो थोड़ा आगे गया, आगे खले में गया था, खले से फिर बैक आया। वो बैक आने के बाद इधर पर घूमा तो वो उनने ये दीवार भी तोड़ दी और ये झाला भी तोड़ दिया गौशाले। क्या नाम बताया? लक्ष्मण सिंह सामन। जैसा कि लक्ष्मण सिंह सामन जी हमारे साथ जुड़ा, इन्होंने बताया कि 4:30 बजे करीबन की बात है और सीधे गेट से एंट्री होकर हाथी ने सीधे गौशाले पे अटैक किया, जो कि दीवार भी टूट रखी है यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कि जो नल है जो कि सरकारी नल को भी बिल्कुल तहस नहस कर चुका है वो देख सकते हैं। इसमें जो कि वन विभाग की टीम लगातार कोई भी लगातार जो कि जनता ज्ञापन दे रही है उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है वन विभाग की टीम। यहाँ पे जो कि काफी लोग जो कि ग्राम सभा छीनीगोट हो, आमबाग हो, चोलीगोट हो, लगातार हाथियों का प्रकोप बना हुआ, लगातार हाहाकार मचा रहे हैं हाथी गांव में जाकर। तो यहां पे वन विभाग की टीम क्यों सोई हुई है जानने वाली तो बात ये होगी, क्या इस पर कार्रवाई करेगी वन विभाग की टीम, क्या सोलर फेंसिंग लाइट जो कि व्यवस्था करेगी, क्या सुरक्षा मिलेगी जनता को। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे पब्लिक लाइव न्यूज पर, मैं आपके साथ मिलते रहूंगा। जो कि आप मेरे साथ एक चीज ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लाइव तस्वीरें जो कि मैं छीनीगोट की दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से धान के खेत में उसने नुकसान पहुंचाया, मेरे साथ सीधे आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जो कि विजुअल में मैंने आपको दिखाया है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे पब्लिक लाइव में। तो जिला चंपावत से मैं विनोद जोशी, कैमरामैन त्रिलोक जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जानवर को बांधते हैं सुबह, जानवर को चारा देते हैं, दूध लगाने आते हैं, हम कैसे लगाएंगे? जैसे जंगला जो वन विभाग वालों का कुछ सोचने तार हार लगाने की करना चाहिए ना, कर जाए किसी टाइम कर जाते हैं, जब ये लोग यहाँ से वो कर जाते हैं फिर कोई देखता ही नहीं है इधर को, साल भर हो गया इस तार में कोई देख ही नहीं रहा। अब ये पेड़ गिरे कहीं, पेड़ हमारे घर के सामने गिरने वाला था तो वो तो हमने जोर जम करके सब कटवाया, नहीं तो हम क्या करते। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये झाला टूट गया, ये गौशाला जानवर हैं, यहाँ पर चारा खिलाना ही ठहरा, दूध निकालना ही ठहरा, हमने घबरा था हाथी खड़ा होगा तो हमारी तो यही मौत हो जाएगी। काश्तकार आदमी हमारे गरीब नहीं तो पक्का मकान नहीं बना लेते, पक्का झोला नहीं बना लेते, झाला पक्का हो जाता। नमस्कार